और जो वेबसाइट में कमी वगैरह होती है तो उसी का यूज करके कैश आउट करते हैं। एक एप्लीकेशन आती है टर्मक्स या फिर बग शूट करके आती है, दो एप्लीकेशन आती है, तो नॉर्मल वो बग फाइंडर होती है। तो जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू होती है मानी 10,000 की परचेज करनी है आपको, तो 10,000 को 100 बना के वो पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद कितने रुपए अब तक कमा चुके हैं? 60 से 65 लाख। अच्छा अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारा? क्या नाम है इसका? ये साइबर पुलिस जो हमारी यूनिट है यहाँ महाराजगंज की, इसके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें दो हैकर्स को पकड़ा गया है, और ये दोनों स्टूडेंट हैं, एक का नाम है विशाल यादव और दूसरे का नाम है आकाश यादव। और ये हैकिंग के जरिए जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनको ये चूना लगाते थे, और बड़ी मात्रा में इन्होंने लगभग 1 करोड़ से अधिक की ठगी की हुई है। इनका प्रोसेस ऐसे होता है कि ये कुछ ऐप टर्मैक्स और वेब शूट करके दो ऐप हैं, उसको ये इंस्टॉल करते हैं, फिर ई कंपनी ई कॉमर्स कंपनी का जो साइट है उस पर जाते हैं, उस पर ये बग खोजते हैं। जैसे ही बग मिलता है उसके बाद ये जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसको एडिट कर देते हैं। जैसे 1,000 रुपये का प्राइस है तो उसको 10 रुपये एडिट कर देते हैं, और उस 10 रुपये का ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, और थोड़ी देर बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इनके अकाउंट में चूंकि इन्होंने 10 रुपये खर्च किया था, लेकिन ओरिजिनल प्राइस 1,000 रुपये वापस आ जाता है इनके अकाउंट में। तो इस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में ठगी कर रहे थे। इसके अलावा कई मोबाइल वगैरह भी मंगाते थे, और बाद में ये कह देते थे कि मोबाइल नहीं निकला है। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने चीटिंग की हुई है। बहुत शातिर अपराधी हैं, और इनको विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हम जेल भेज रहे हैं। सब पुलिस के द्वारा कैसे ये गिरफ्त में आए हैं? ये हमको सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम लोगों ने अपनी टीम लगाई हुई थी, और टीम ने वेरीफाई करके फिर इनसे पूछताछ की, तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और ये एक बड़ा ठगी का रैकेट जो है, बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं उनके साथ ठगी का रैकेट प्रकाश में आया है। सर कितने टाइमिंग से ये कर रहे थे? ये लगभग 2 साल से बता रहे हैं कि इन्होंने 2 साल से किया है। इनके अकाउंट HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम सब देखे गए हैं, और उनमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है।